बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर एंजल्स, आई होप यू आर फाइन एट होम एंड डूइंग वेल। डियर किड्स, इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव टू डिस्कस क्वेश्चन आंसर्स। टुडे वी हैव टू डिस्कस बैक बुक एक्सरसाइजेस। फाइन, आई होप ऑल ऑफ यू टेक आउट योर बुक पेज नंबर 112। लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइजेस। आस्क योर पार्टनर क्वेश्चंस यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द स्क्वायर। ही शी शुड आंसर इट विद सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द सर्कल वन हैज़ डन फॉर यू। हमें क्या करना है, जो ये स्क्वायर दिया है, ये सर्कल दिया है, इनके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करने। फाइन, अ लॉन्ग टेल, लंबी टेल किसकी होती है, पीकॉक की। अ रेड बीक, लाल बीक किसकी होती है, पैरट की। अ ट्रंक, ट्रंक किसकी होती है, एलिफेंट की। माने किसकी होती है, अ लॉइन। और अ लॉन्ग नेक किसकी होती है, जिराफ की। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपके पास है प्रीपोजिशन का, आपको यहाँ पे यूज़ करना है। चार दी गई हैं, इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड। इन क्या होता है, अंदर। ऑन क्या होता है, ऊपर। अंडर, बीच, नीचे। ठीक है, बिहाइंड, पीछे। Use words from the box to answer these questions. हमें इन words में से words को use करना है और अपने answer देने हैं। Where are the oranges? Oranges कहाँ पे हैं, In the basket. Oranges basket में हैं, टोकरी में हैं। Where is the boy? लड़का कहाँ पे है, On a cycle. लड़का cycle पे है। Where is the puppy? पपी कहाँ पे है, Under the bed. बेड के नीचे है। Where is रानी? रानी कहाँ है, Behind the door. दरवाजे के पीछे है। In, on, under and behind are propositions. They tell us where a person or thing is. ये proposition use करनी है और बताना है ये चीज़ें हमारी कहाँ कहाँ पे हैं। Fine. Find in the blank, fill in the blanks using in, on or under. हमें in का, on का, under का use करना है। The cat is in the tree. Cat कहाँ पे है, पेड़ के नीचे, बीच में है। The cat is in the tree. Tree के बीच में है। The dog is under the tree. डॉग कहाँ है, ट्री के नीचे। नेहा इज़ ऑन द ट्री, नेहा पेड़ के ऊपर है। नेहाज़ कैप इज़ ऑन हर हेड, नेहा की कैप उसके सर पे है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। कंप्लीट रिप्लाइज टू दीज क्वेश्चन यूजिंग इन, ऑन, अंडर, आर, बिहाइंड। आपको इन में इनका, ऑन का, अंडर का, बिहाइंड का यूज़ करना है। वेयर आर दी डक्स, डक्स जो है बतख कहाँ पे हैं, इन दी लेक्स। कहाँ होंगी, बीच में होंगी, तो इन दी लेक। वेयर आर माई शू, शूज़ कहाँ पे हैं, अंडर दी बेड, बेड के नीचे हैं। वेयर इज़ दी स्पाइडर, स्पाइडर कहाँ है, ऑन द वॉल, वो दीवार पे है। वेयर इज़ बीटो, ऑन द चेयर, बीटो कहाँ है, चेयर के ऊपर। मैच वर्ड ऑफ अपोजिट मीनिंग, हमें मैच करना है इन वर्ड्स को जो कि अपोजिट मीनिंग के हैं। जैसे कि थिक, थिक का होता है थिन। बिग क्या होता है, बड़ा। स्मॉल छोटा। लॉन्ग क्या होता है, लंबा। शॉर्ट होता है छोटा। हॉट होता है गर्म, कोल्ड होता है ठंडा। हैप्पी होता है खुश, सैड होना दुखी होना। नाउ यूज़ द अबव पेयर्स ऑफ द वर्ड्स इन द ब्लैंक्स बिलो। द हॉर्स हैज़ अ लॉन्ग टेल, हॉर्स की लंबी दुम होती है। द कैमल हैज़ अ शॉर्ट वन, और कैमल की शॉर्ट होती है। कार्डबोर्ड इज़ थिक, कार्डबोर्ड जो है वो थिक है। काइट पेपर इज़ थिन, काइट पेपर जो है वो थिन है। ये थिक है, थोड़ा सा मोटा है, ये बिल्कुल पतला है। अ हट इज़ स्मॉल, हट जो है छोटा है। अ हाउस इज़ बिग, घर जो है बड़ा है। द सन इज़ हॉट, जो सूरज है वो गर्म है। द मून इज़ कोल्ड, जो चांद है वो ठंडा है। टुडेज मालास बर्थडे, माला का बर्थडे है। शी इज़ हैप्पी, वो बहुत खुश है। राज पपी इज़ सिक, राज का जो पपी है वो बीमार है। ही इज़ सैड, वो इसलिए दुखी है। सी पार्ट, मेक टू वर्ड्स फ्रॉम ईच ऑफ दीज, दो वर्ड्स बनाइए इनमें से। यू कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ द लैटिन वर्ड्स बट डोंट ऐड एनी लेटर्स, हमने इन्हीं वर्ड में से वर्ड्स को, लेटर्स को निकालना है और वर्ड नहीं ऐड करने हैं। जैसे डेजर्ट, डेजर्ट में हमने क्या किया, ट्री, ट्री का सी। मैंने, मैन और नेम। स्टॉमक क्या होता है, मैट और कैट। ठीक है, हमने इन्हीं वर्ड्स को, अल्फ़ाबैट्स को यूज़ किया। थॉर्न्स क्या होता है, हॉट और हॉर्न। Put a full stop or question mark at the end of the sentence. हमने क्या करना है, full stop या question mark को end में लगाना है। Where is your friend? आपकी जो friend है वो कहाँ पे है, full stop, question हो रहा है। Yellow mangoes are sweet, yellow आम जो है वो मीठे हैं। ठीक है, मीठे हैं, तो ये statement है, हमने full stop use किया। My mother is writing a letter, मेरी माँ letter लिख रही हैं, तो ये क्या है,
यहाँ पे क्वेश्चनिंग नहीं है, स्टेटमेंट है, हमने फुल स्टॉप का यूज़ किया। आई हैव अ न्यू बैट, मेरे पास नया बैट है, तो हमने यहाँ पे फुल स्टॉप का यूज़ किया, ये स्टेटमेंट है। आर दोज बॉय स्विमिंग, क्या ये लड़के स्विम कर रहे हैं, ये क्वेश्चनिंग हो रही है, इसलिए हमारा साइन ऑफ इंटरोगेशन आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स टू डिस्क्राइब अ कैमरा एंड अ जिराफ, हमने इन ब्लैंक्स को फिल करना है, क्या डिस्क्राइब करने के लिए, कैमल्स को या जिराफ को। अ कैमल हैज़ पैडेड फीट, कैमल के पैडेड फीट हो, गुदगुदे फीट होते हैं। इट हैज़ अ हम्प, और इसकी हम्प भी होते हैं, जो उसको बैक साइड होता है ना, तो उसको हम्प कहते हैं, जैसे गुड कहते हैं। इट स्टोर्स फूड इन इट्स हम्प, वो अपना खाना हम्प में स्टोर करता है। इट आल्सो हैज़ अ बिग स्टोमक, इसका एक बड़ा सा पेट है। इट कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट अ टाइम, ये एक ही टाइम पर बहुत ज़्यादा पानी पी सकता है। द कैमल्स लिव इन अ डेजर्ट, कैमल जो है डेजर्ट में रहता है। इट इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट, इसे हम लोग शिप ऑफ डेजर्ट भी कहते हैं। द जिराफ हैज़ अ बिग बॉडी, जिराफ की बहुत बड़ी बॉडी होती है। इट हैज़ अ लॉन्ग नेक, इसकी बहुत लंबी नेक भी होती है। इट आल्सो हैज़ लॉन्ग लेग्स, इसकी लंबी टांगे होती हैं। इट लव्स टू ईट लीव्स, इसको पत्ते खाना बहुत पसंद है। द जिराफ लिव इन द फॉरेस्ट, जो जिराफ होता है वो जंगल में रहता है। फाइन, ये रही आपके बैक बुक एक्सरसाइजेज जो हमने कंप्लीट कर ली है, और इसी के साथ हमारा जो है फाइनल टर्म का इंग्लिश प्रोज का सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इंशाल्लाह पहले तो हम जूम ऐप पे सब कुछ डिस्कस करेंगे, उसके बाद अपना ग्रामर पोर्शन स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस यू हैव रियली कॉल्ड मी आर व्हाट्सएप मी। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।